जंगल। मुंबई के ट्रांबे पुलिस स्टेशन की हद से चिता कैंप से आ रही है बड़ी खबर। 11 वर्षीय के साथ में बलात्कार करने की कोशिश का मामला आया उजागर। ट्रांबे पुलिस के अधिकारियों ने किया मामले की लेपापोती, नहीं किया संगीन धाराओं में मामला दर्ज, मेडिकल का कर रहे हैं इंतजार। परिजनों द्वारा ट्रांबे पुलिस स्टेशन के अधिकारियों को डरा धमकाने का लगा है आरोप। खबरें आज भी के संवाददाता से बात करते हुए जांच अधिकारी अमूल धनोड़े ने बताया कि पीड़िता की हर मुमकिन होगी मदद। देखिए खबरें आज भी के लिए मुंबई ब्यूरो रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबरें आज भी। हम खड़े हैं मुंबई के चिता के ट्रांबे पुलिस स्टेशन के हद पे, जहां कल सुबह 10:30 बजे की एक घटना थी। एक 11 साल की बच्ची के साथ में कुछ छेड़छाड़ या कुछ तो बड़ी घटना अजी है, लेकिन ट्रांबे पुलिस स्टेशन के अधिकारी कल से ये घटना को टालम टाल करके, ऐसा परिजनों का कहना है कि सुबह 5 बजे उनके ऊपर FIR दाखिल हुई है। FIR के मतलब है कि लीपापोती हुई है। लीपापोती करने का मतलब है 341, 352 और 506 तक मामला दर्ज हुआ है। एक नॉर्मल मामला दर्ज हुआ है, जबकि आपको बता दें कि जब माइनर होता है तो उसमें IPC धारा 8 भी लगा जाता है पोस्को। उस तहत में ट्रांबे पुलिस स्टेशन ने अभी तक मामला नहीं दर्ज किया है। जो मामले का जो मेडिकल का इंतजार कर रही है वो राजावाड़ी हॉस्पिटल में मामला जो अभी तक मेडिकल नहीं आई है। रात को घर भेज दिया गया सुबह बच्ची को, दोपहर के कोई सामाजिक संस्था ने उसको मेडिकल के लिए जाँच राजावाड़ी भेजा है, लेकिन अभी तक रिपोर्ट कन्फर्म नहीं क्या मामला है। आइए बात करते हैं उनके साथ में, एक चश्मदीद थे जो रात भर पुलिस स्टेशन के अंदर बैठे, उनसे बात करते हैं क्या मामला था इस मामले में। अपना नाम बताइए। मेरा नाम रजिया है। और क्या घटना हुई थी और कभी की घटना ये? ये सुबह 10 बजे से बच्चे गुलती 2 घंटा घर से, तो हमको मालूम नहीं। ये हमारे मोहल्ले में आके उनकी अम्मी ने बोल बता रहे थे कि लड़की मेरी 2 घंटा से गुल हुई है, सामने वाला डरा रहा है, धमका रहा है कि कहीं जाने नहीं दे रहा है। तो हम लोग ने गए तो 4-5 जन रोते मिल के लड़की को चौकी तक लेकर आए, लेकिन उसके ऊपर चौकी आपने कभी तक लाया? 1 बजे तक। 1 बजे? हाँ, 1 बजे तक। 1 बजे तक, 1 बजे तक लेकर आए, लेकिन उसके ऊपर कोई रिस्पॉन्स ही नहीं ले रहा है, मतलब पुलिस वाले कोई यही नहीं कर रहे उसके ऊपर, लेकिन उसको बता रहे, कोई चीज बता रहे तो डरा रहे, धमका रहे, ऐसा होगा वैसा होगा। तो रात तक हम लोग वहीं पे NC चिट्ठी दिए, रिटर्न ले लिए। हमने बोला रिटर्न वापस आपने लिए क्यों लिए, हमने पब्लिक को पूरे जमा किया फिर आए तो क्यों आपने ऐसा ऐसा किया? तो बोले हम ले रहे थे, हमारा ड्यूटी खत्म होने का टाइम था, आप लोग चले गए, ऐसा है वैसा है। तो इनको सामने से बहुत फोन कॉल चालू ही था, जब तक हम बच्चों को इधर रखे थे जब तक कॉल ही चालू था, और एक भी जन अंदर हमको अंदर जाने नहीं दे रहे, ना सीनियर से किसी से भी मिलने नहीं दे रहे, कोई नहीं, बस भगा रहे यहाँ जाओ वहाँ जाओ वहाँ जाओ यहाँ जाओ, बस यही हो रहा है। फिर रात में हमने फिर वापस चले गए, इनसे चिट्ठी मिली, फिर चले गए घर पे, फिर दोबारा मालूम पड़ रहा है कि उसके ऊपर कोई केस नहीं लिखा हुआ है। सामने वाले से क्या फोर्स मिला नहीं मिला मालूम नहीं। कितने बजे की घटना रात को? रात की सुबह के फजर में 4 बजे के करीब, मतलब लड़की का FIR बना, वो भी सही ढंग का नहीं बना। तो FIR बनने के बाद मेडिकल पुलिस उस लड़की को मेडिकल के लिए लेके नहीं लेके गए, वही तो बोल रही हूँ। जब हम आए तो अगर वो रिक्स लेते थे तो ये सब चीज़ हो जाती थी, रिक्स ही नहीं लिए कोई चीज़ का। अभी आ रहे हैं, हाँ अभी करेंगे, बस यही बात चली रही है। सुबह फजर में रिपोर्ट भी बनाए तो ऐसा ही बनाए कि जब भी लड़की को ये नहीं कहता पर तो दवाखाना भेज दे, कोई रिस्पॉन्स नहीं लिए। तो वो आप ऐसा, मतलब लड़की के घर वाले थे उनको डराया भी धमकाया गया? हाँ, इधर से लड़की के माँ बाप दोनों भी बाहर ही खड़े थे, लड़की भी खड़ी थी, तो बोले उन लोग यही बता रहे थे कोच कचहरी जाना है, ये जाना है, वो परेशानी है, ऐसा है वैसा है, ऊपर ये सब तकलीफ बहुत हो रही थी इधर पे। तो ये पुलिस द्वारा बोला जा रहा था परिजनों को? हाँ, कि आप कोर्ट जाना है, नहीं करेगा, ये लड़की का इज्जत की बात है, इज्जत की तो ये कर दी है तो और इज्जत क्या देते, पूरी तरीके से तो इज्जत निकली गई ना भाई। तो आगे अभी अभी क्या है, आपकी क्या मांग है, किस तरह से अभी बस इंसाफ ले ले, इंसाफ ले ले। आज वो लड़की के साथ हुआ, कल हमारे भी लड़की के बच्चों के साथ में, मोहल्ले में बहुत सारी लड़कियां हैं, उनके ऊपर से ही हम आवाज उठा रहे, तो कल हमारी भी लड़की सेफ रहे। तो
अभी मतलब आपका कहना है कि पुलिस का लीपापोती चल रही है, मगर बस बस जो जिस कायदे पे आपको मामला दर्ज करना चाहिए था उस मामले में नहीं, नहीं दर्ज नहीं किया गया, दर्ज नहीं किया गया। तो अभी लड़की की जो माँ है वो कहाँ है? अभी मेडिकल चल रहा है उनका, उधर पे राजावाड़ी में मेडिकल चल रहा है उसका। मेडिकल चल रहा है? हाँ। अभी मेडिकल चल रहा है क्या? मेडिकल रिपोर्ट आने वाली, उसका आप लोग इंतजार कर रहे हैं? मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं हम। ये देखिए, ये मामला है जहाँ पर मुंबई सबसे सुरक्षित जगह महिलाओं के या लड़कियों के लिए मानी जाती है। आज ये ट्रांबे पुलिस स्टेशन के हद में महिलाएं या बच्चियां सुरक्षित नहीं है, और उसके ऊपर पुलिस स्टेशन का इतना बड़ा रवैया कि पुलिस द्वारा परिजनों को धमकाया जाता है कि केस होएगा या कोर्ट कचहरी जाना पड़ेगा। उस आधार पे ट्रांबे पुलिस स्टेशन के अधिकारी पूरी तरह से मामला नहीं दर्ज करते हैं और धमकाया जाता है। इस मामले से बात करते जो उनके पिताजी हैं लड़की के, उनसे बात करेंगे अभी तक किस तरह से लोगों को धमकाया जाता है और मामले को रफा दफा करने की कोशिश की जाती है। आइए बात करते हैं। सर अपना नाम बताइए। अकराम खान। क्या मामला था? मामला यह था कि 10:30 बजे लड़की आई बाथरूम से, वो पकड़ के ले गया, आँख बंद कर दिया और घर में ले जाकर हाथ बांध दिया और 3-4 तमाचा मारा गाल में। तो क्या नाम था उसका, मतलब आरोपी क्या नाम है, किस तरह से पैसा? वो दुलारे नाम है उसका। अच्छा, तो क्या फिर उसके बाद कैसा मालूम पड़ा? नहीं नहीं, नहीं, तो नहीं, हमको 2 बजे काम कहे थे, काम पर से हमको मालूम है 2 बजे दिन को। तो आप चौकी कितने बजे वापस आए? मैं आए करीब 8-9 बजे। 9 बजे के बाद क्या घटना हुई? पुलिस वाले किस तरह से धमका रहा होगी, ये करना होगा, वो करोगे, ये होगा, वो होगा, ऐसे उल्टा सीधा पढ़ा रहा, तुम लोग लड़की को सिखलाया है, ये सब बात है। तो कौन बोल रहा था? पुलिस वाले? पुलिस वाला। अभी क्या मांग करेंगे आप पुलिस से? आप भारत सरकार से? पुलिस से मांगे कि हमारा फैसला चाहिए। मतलब लड़की कितने साल की है? 12 साल की। 12 साल की लड़की, तो उसके ऊपर क्या आप मांग करेंगे? 12 साल की लड़की को किस तरह से आरोपी को सजा होना चाहिए? उनको सजा होना चाहिए फांसी का। देखिए ये मामला है, उसकी जो बाप है उनकी भी मांग है कि उसको सही तरीके से कायदे में उनको जो IPC धारा के तहत पुलिस मामला दर्ज करे